लिए हमें ये चाहिए कि बायलैटरली इसको यूज़ करें, बायलैटरल एक्सरसाइजेस की जाए। बायलैटरल एक्सरसाइजेस पीएफएस को ट्राइसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन जो है वो ज़्यादा प्रेफर करता है, और डायगनल पैटर्न में क्यों है जैसे कि हम इस पर ये कर सकें तो फ्रंटल इस मसल के लिए कर रहे हैं। डायगनल पैटर्न में हम कहेंगे पेशेंट को आईब्रोज रेज करें, ऊपर की तरफ देखो आईब्रोज रेज करो, गुड गुड गुड, वेरी गुड। अब अगर मुझे इसको टाइमिंग एम्फेसिस यूज़ करना है तो मैं स्ट्रॉन्ग साइड जो है उसको होल्ड करके रखूँगा या ज़्यादा रेजिस्टेंस दूँगा और उसको अलाउ करूँगा जो इन्वॉल्व साइड है, ठीक है। चलिए दोबारा उठाइए, आईब्रोज रेज कीजिए ऊपर, ठीक है। इसको मैं असिस्ट कर रहा हूँ और इसको रोक के रखा हुआ है, यानी राइट साइड जो इन्वॉल्व साइड है उसको असिस्ट कर रहा हूँ और लेफ्ट को मैंने रोक के रखा हुआ है। इसको कहते हैं टाइमिंग एम्फेसिस, जब आप स्ट्रॉन्ग मसल को रोक के रखें और वीक मसल ग्रुप को आप अलाउ करें मूवमेंट होने, ठीक है। तो ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसके अपोजिट हम कर सकते हैं कॉरोगेटर जो है मसल एक जो नीचे की तरफ लेके जाता है, जो फ्राउनिंग करता है आपको, यानी आप जो है गुस्से से देख रहे हैं, गुस्सा जो आता है, चलो करो, गुस्सा नहीं आता तुम्हें, आईब्रोज को करो ना, आईब्रोज नीचे लेके जाओ, ये रिलैक्स लेके जाओ। अब ये भी डायगनल पैटर्न में कर, चलो लेके जाओ नीचे, जोर लगाओ, वेरी गुड। इसमें भी आप टाइमिंग एम्फेसिस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ये याद रखिएगा कि अगर जो इन्वॉल्व साइड है उसमें सिंकाइनेसिस है, यानी आपका जो है वो टाइटनेस मौजूद है किसी भी साइड पर, उसको ओवर एक्टिविटी नहीं देनी है आपने। और यहाँ पर आप वीक मसल पे कोई एक स्ट्रेच भी दे सकते हैं, जैसे पीएनएफ प्रेफर करता है, फॉर एग्जांपल ये वीक मसल है तो यहाँ पर मैं कोई एक स्ट्रेच दे सकता हूँ, कोई एक स्ट्रेच देता हूँ। चलिए नीचे लेके जाइए, नीचे लेके जाइए, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं क्विक स्ट्रेच देके। ये अगर आप क्विक स्ट्रेच यूज़ करें तो टोन जो है वो फैसिलिटेट होती है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, अभी हमने किया सबसे पहले किया फ्रंटलिस के लिए, फिर कॉरोगेटर के लिए किया, फिर हम करते हैं आई क्लोजिंग के लिए। यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ, नीचे लेके जाओ, ऊपर उठाओ 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 उठाओ, ये भी डायगनल पैटर्न में कर रहा हूँ। क्लोज योर आइज, गुड, ऊपर, वेरी गुड, क्लोज योर आइज, ऊपर, ये ऑर्बिक्युलरिस ऑक्युलाई मसल इसमें यूज होता है, अपर लिड और लोअर लिड के लिए। अपर लिड क्या, ऊपर उठाओ, नीचे लेके जाओ, तो ये भी डायगनल पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये अब लोअर लिड के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, अब क्लोज करो आइज को, गुड, फिर, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा है आप पोसेरस मसल है, पोसेरस मसल स्टिंकिनेस, यानी आपको लग रहा है कि स्मेल आ रही है तो वो जैसे स्मेल बनाते हैं चेहरा, वो बनाओ स्मेल वाला ऐसे, हाँ ये, फिर दोबारा, ये भी डायगनल पैटर्न में आपने डायगनल इस डायरेक्शन में दे रहा हूँ, लेके जाओ, वेरी गुड, अगेन, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना रहे, स्मेली, ये ठीक है, ये डायगनल पैटर्न में। अब ये अगर वीक है तो मैं अगर क्विक स्ट्रेच दे सकता हूँ, और टाइमिंग एम्फेसिस के लिए जो है मैं इसको होल्ड करके इसको अलाउ कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया। दूसरा आप जो है ना विसल के लिए कर सकते हैं, मैंने खींच के रखा हुआ है इसको, आप विसल करें ज़रा, रिलैक्स, अब विसल करो, फिर दोबारा इस तरीके से करवा सकते हैं, और स्माइल करते ना हम, ये रिलैक्स स्माइल, गुड, वेरी गुड, दोबारा, ठीक है। ये मसल है विसल के लिए हो गया, स्माइल के लिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है इस वजह से, ये कर लिया। फिर आप अपर लिप के लिए कर सकते हैं, ये अपर एंगल और इन्फीरियर एंगल पे, ठीक है, बताइए, गुड, ये डायगनल पैटर्न पे, गुड, फिर दोबारा, वेरी गुड, अगेन, ठीक है। अब ऐसे ही जो है लोअर लिप के लिए कर सकते हैं,
लोअर लिप के लिए, ऐसी लोअर लिप के लिए कर सकते हैं, गुड ठीक है। आप एलिवेटर्स को यूज़ कर सकते हैं लिप्स के। चलो ऊपर ऊपर के दांत दिखाओ, ऊपर के दांत, ये अगेन रिलैक्स। चलो अब ऊपर के दांत दिखाओ, गुड वेरी गुड। फिर ऊपर के दांत दिखाओ, ये ऐसी नीचे के दांतों के लिए, नीचे के लिप के लिए, गुड रिलैक्स अगेन अगेन। ये डायगनल पैटर्न में मूवमेंट दे रहा हूँ, देख रहे हैं आप। अच्छा कोशिश कीजिएगा कि एक एक मसल जो है एक एक एरिया को यूज़ करें। मार्क्स मूवमेंट है जैसे इस टाइप की कि आप ये वाली मूवमेंट करवा रहे हैं, इसको जो है अवॉइड किया करें, ठीक है। इससे जो है सिनर्जी डेवलप हो सकती है और सिंक्राइनस डेवलप हो सकता है, सही। तो ये थी इसकी एक्सरसाइजेस। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि PNF की टेक्निक्स आप डालें, इसी में जो है हम रिदमिक रिलैक्सेशन यूज़ कर सकते हैं कि आप पैसिव मूवमेंट करते जाएँ, देन असिस्टेड करें और उसके बाद जो है रेजिस्टेड एक्सरसाइज करें, इसी है इन्हीं मसल्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। इसी में आप जो है आइसोमेट्रिक कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस करवा सकते हैं, सही। दैट वॉज ऑल टूडे, थैंक यू।